नमस्ते, मैं नीता हूँ। कला और उसके पीछे का विचार या आर्ट एंड थॉट प्रोसेस, ये सीरीज हम देख रहे हैं और उस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। इस तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि पॉर पेंटिंग क्या होती है, या तो यूं कहिए कि एक सतह होती है और उस सतह पे रंग थोड़े से पतले किए जाते हैं और फिर उनको चाहे कटोरी में ले लो, चाहे पेपर कप में ले लो और उसको बस कैनवस पे या सतह पे डाल दिया जाता है, पोर किया जाता है या उंडेल दिया जाता है और फिर अपने आप ये कलर्स फैलते हैं। और उनके फैलने के बाद जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनती है या रंगों का जो फैलने का एक डायरेक्शन या शेप्स अलग अलग जो क्रिएट हो जाते हैं उनको पोर पेंटिंग कहा जाता है। ये पेंटिंग जो है ये मैंने इसी तरह से बनाई है। इसके लिए मैंने इपॉक्सी रेजिन यूज किया है और कुछ ग्लास कलर्स यूज किए हैं। इसका जो डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आर्ट एट ईज, ये जो मेरी सीरीज है उसके 14वें एपिसोड में, #नवरात्रि नाम है उसका, उसमें ये आप देख पाओगे। तो इसमें भी मैंने उसी तरह से किया था कि कलर को पतला किया था और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसको उंडेल दिया था और फिर उसके बाद जो जैसे फैले उनके लिए थोड़ा सा सूखते वक्त उनको डायरेक्शन दे के मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट, पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं बनाया। जैसे रंग सूखते गए मैंने आंखें, नाक या होठ वगैरह ये सारा डिफ्रेंशिएट करके उसको देवी माँ के फेस का इफेक्ट दे दिया। तो बचपन में मुझे एक चीज़ याद आती है बचपन की, हम लोग बारिश के दिनों में रास्ते में जब गड्ढे होते थे और उनमें पानी ठहर जाता था, कोई कार हो कोई व्हीकल हो उसका ऑयल उसमें गिर जाता था तो वो ऑयल सतरंगी बिल्कुल एकदम कलरफुल उसपे ऑयल का डिजाइन बन जाता था और बहुत ही मजा आता था वो ऑब्जर्व करने में। कुछ इसी तरह का ये पोर पेंटिंग होता है। इसमें कोई भी अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं, यूट्यूब पे आपको उसके अलग वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसे एक तरह से इसमें कलर्स वेस्ट भी बहुत जाते हैं तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पोर पेंटिंग ज़्यादातर नहीं करती हूँ। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किस तरह से क्रिएट होता है, कोई ब्रह्मांड हो या गैलेक्सी हो तो उस तरह से वो कलर्स फैल जाते हैं, दिखने में तो बहुत सुहाना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कलर्स वेस्ट बहुत जाते हैं और कलर्स मतलब इतना वेस्ट करना, इतने महंगे कलर्स होते हैं ये मुझे बात उतनी जचती नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी इस टाइप का टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के मायने क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसे किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्यों होता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि पोर पेंटिंग क्या होता है और पोर पेंटिंग का ये नमूना मैंने आपको बताया, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप आर्ट एट ईज का 14 एपिसोड है उसमें आप जरूर देखिए। ये मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।